हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम अभी कश्मीर में हैं और कश्मीरियों का घर कैसा होता है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ अभी टेम्परेचर 7 डिग्री है और हाँ, ये सब कारपेंटर है। हम भी कारपेंटर हैं और कारपेंटरी ही करते हैं, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। थोड़ा मैं ब्लॉग भी बना लेता हूँ टाइम मिलता है तो मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे दीवार पर कैसे डिजाइन बनते हैं, लकड़ियाँ जो लगाई जाती है मैं वो सबको आपको दिखाऊंगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कश्मीर में कश्मीरियों का किचन रूम ऐसा ही होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है देखने में। तो हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए। देखिए ये सेलिंग देखिए कितना खूबसूरत है, ये लकड़ी का नहीं होता है, प्लास्टिक का होता है और लगाने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी खूबसूरत होता है ये। ये सब किचन और सेलिंग हम लोगों ने मिलकर बनाया है। देखिए लकड़ी का कटिंग जो दीवार पर लगा है इसको पाइलिंग बोलते हैं। यहाँ अधिक ठंडा होने के कारण से ये दीवारों पर लकड़ियाँ लगाई जाती है ताकि रूम गर्म रहे और सारे फैमिली इसी रूम में रहते हैं एक साथ। ये छोटा छोटा लकड़ियों का पीस कटिंग करके लगाते हैं। देखिए इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता है और खर्च भी बहुत ज़्यादा आता है। ये है चम्मच रखने के लिए, छोटा छोटा पीस रखने के लिए होता है और ये आलू प्याज रखने के लिए होता है और नीचे का जो प्लेट होता है छोटा छोटा प्लेट वो इसमें रखते हैं। और चलिए मैं आपको चिमनी दिखाता हूँ। देखिए ये चिमनी है जो जो खाना बनता है उसका भाप जो बाहर निकलता है वो चिमनी, कितना खूबसूरत है ये। आप लोगों के घर में किचन कैसा है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ये किचन आप लोगों को कैसा लगा वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।